लाल जोड़ा पहने मेहंदी वाले लाना संग मिलके। सो हे गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो अभी जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है, तो कुछ इस प्रकार की लिरिक्स वीडियो बनाने वाले हैं। और गाइज, कुछ इस टाइप की वीडियो मैंने पहले भी क्रिएट किया था अलाइट मोशन से और VN एप्लीकेशन से। तो उन वीडियोज़ को नहीं देखा होगा तो उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप देख सकते हो। तो इस वाले वीडियो को हम कैपकट एप्लीकेशन में बनाने वाले हैं। तो कैपकट को सबसे पहले ओपन कर लो। कैपकट को मैं अपने टेलीग्राम पे गाइज पिन कर दिया हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। साथ में यहाँ पर आपको एक VPN को भी डाउनलोड करना होगा। तो जो मैं VPN यूज करता हूँ उसका नाम है गाइज सिक्योर VPN। तो ये आपको यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो चले जाना है आपको गूगल प्ले स्टोर पर और इसको डाउनलोड करके कनेक्ट कर लेना है। आपको पता है कि बिना कैपकट, बिना VPN का गाइज कैपकट चलता नहीं है, तो आपको पहले कनेक्ट कर लेना होगा। मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर कैपकट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे हम टैप कर लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन में आएंगे और कुछ इमेज को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर फर्स्ट इसे मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद में गाइज यहाँ पर थोड़ी सी आगे जाते हैं और दूसरी जो इमेज होगा इसे मैं ऐड करता हूँ। फिर से यहाँ पे एक कार्टून वाला इमेज को ऐड करता हूँ। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कोई दूसरी इमेज को ऐड करता हूँ। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर गाइस 4 से 5 फ़ोटोज़ को ऐड करके यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होगा, ओके। तो देखो फिलहाल के लिए तो ये आ गया, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। इधर एक फ़ोटो और ऐड करना है मुझे, तो यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ गाइस। तो ये वाला फ़ोटो मैं ऐड करके ऐड कर लेता हूँ, डन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पहले हमने इमेज को ऐड कर दिया है। अब इमेज को ऐड करने के बाद हम रेटियो के ऑप्शन में आएंगे, 9:16 को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर देख सकते हो ऐड ऑडियो के ऑप्शन पे और एक्सट्रैक्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ये वाला वीडियो ही मैंने आपको दे दिया, इसको क्लिक करके आपको ऐड पे टैप करके सिलेक्ट कर लेना, तो इसकी सॉन्ग आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ से ध्यान से देखो, अपनी इमेज को टैप करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है एडजस्ट की ऑप्शन में। कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करूँगा, ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लूँगा, उसके बाद में शार्पेन को इंक्रीज़ करेंगे, उसके बाद विगनेट के ऑप्शन में जाके इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है। तो ये जितने भी हमारी फ़ोटोज़ है सब पे ये अप्लाई हो चुकी है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि हमें करना क्या है गाइज। आपको सॉन्ग पे ने बीट मार्क लगाना है। लाइक अगर आप यहाँ पर सबसे पहले सॉन्ग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको देखो लिखे मिलेगा बीट्स का, इसको टैप करो। आपको पहले सॉन्ग को प्ले करना है। जैसे आपको 3 लिरिक्स लिखना है या 4 लिरिक्स लिखना है, तो उस अकॉर्डिंग आपको अपनी इस बीट मार्क लगाना है। जैसे कि देखो आई मिस यू, तो 3 वर्ड्स हो गया ना, आई लव यू 3 वर्ड्स हो गया, तो थैंक यू सो मच 4 वर्ड हो गया। तो इसी तरीके से जितना आप वर्ड लिखना चाहते हो उतना बीच में आपने एक बीट मार्क लगाना है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को प्ले करता हूँ और प्ले करने के बाद में गाइस यहाँ पर फर्स्ट वाला बीट मार्क मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, उसके बाद फिर से प्ले करूँगा, सेकंड वाला बीट मार्क यहाँ पर मैं लगा लूँगा, फिर से क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे, फिर से यहाँ पर थर्ड वाला यहाँ पे है तो यहाँ पे एक बीट मार्क लगा लूँगा। जहाँ जहाँ पर गाइज आपको लग रहा है कि जे यहाँ से म्यूजिक चेंज होगा तो या अपनी लिरिक्स लिखना चाहते हो जितना बीट मार्क लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ पर लगा कर मैंने डन कर दिया। मुझे म्यूजिक तो सुनाई वैसे नहीं दे रहा है क्योंकि आपको पता है यहाँ पर माइक लगा रखा हूँ, तो आप अपना सुन सुन के यहाँ पर ऐड कर लेना। तो मैं यहाँ पर कर दिया हूँ। अब इमेज को क्लिक करके फिर से हम ऐसे करके कर लेंगे, इस इमेज को भी क्लिक करके इतना जितना ड्यूरेशन है उतना रखेंगे और इस इमेज को भी मैं इधर क्लिक करके इतना ही रखूंगा। अब एंड वाले को मैं क्लिक कर लूंगा और इसको इतना ही रखेंगे, ठीक है। कैपकट की जो एंड स्क्रीन इसको डिलीट कर लेंगे क्लिक करके। तो अब यहाँ पर हमारी इमेज तो ऐड हो चुकी है। अब गाइस जो भी सॉन्ग रहेगी ना उसकी लिरिक्स को आपको गूगल में चले जाना है और सर्च कर लेना होगा, ओके।
तो देखो यहाँ पर मैं पहले से गाइज गूगल में जाके इस लिरिक्स की जो मतलब कॉपी कर रखा हूँ, ठीक है, मुझे याद नहीं था तो यहाँ पर कॉपी कर लिया हूँ। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद गाइज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और सबसे पहले ओवरले पे टैप करेंगे और एड ओवरले के ऑप्शन में आएंगे और सबसे पहले यहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, इंक स्प्लैश या कह सकते हो बर्स वाली आपको वीडियो मिलेगा। तो इस वाली बर्स वाली वीडियो को हम क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐड पे टैप करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। पहले तो इसको पहले आप फुल स्क्रीन कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से, और यहाँ पर आपको ब्लेंड के ऑप्शन में आ जाना है और नीचे की तरफ गाइज आपको यहाँ पर डार्केन के ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं यार, मेरा नेट बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, हद से ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर देख लो कितनी गाइज यहाँ पर लेट शो हो रहा है। तो यहाँ पर डार्केन पर क्लिक करेंगे और डन करेंगे। अब आपको एक बार पहले वीडियो को प्ले करके यहाँ पर देखना है और यहाँ पर इमेज को टैप करके नीचे की तरफ ऐसे करके फिक्स करना है। ठीक है, इसको साइज को छोटा कर देता हूं मैं ऐसे करके, ठीक है, और देखते हैं ये कितना है। बाकी इधर के एक्स्ट्रा पार्ट को क्लिक करेंगे और स्प्लिट पर क्लिक करके यहाँ पर फिर एंड की जो पार्ट है डिलीट कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट वाली इफेक्ट कुछ इस तरीके से ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखते रहो। अब इसी को फिर से टैप करेंगे और यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है इसको, ठीक है, इस तरफ स्लाइड करोगे तो कॉपी का एक ऑप्शन मिलेगा, कॉपी कर लो। अब देखो ये सेकेंड वाला भी आ चुका है, बस यहाँ पर एंड में जो इस तरफ ने आपको थोड़ा देख सकते हो आपकी फोटो दिख रहा है तो उसको साइज को छोटा बोरा करके एडजस्ट करके ऐसे करके फिक्स करना होगा, आपको ध्यान रखना है गाइज। ठीक है, अब यहाँ पे इसको टैप करते हैं और देखते हैं इसकी ड्यूरेशन जितना है रहने देंगे, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को फिर से कट कर सकते हो या साइज छोटा कर लेना ऐसे करके। अब इसी को क्लिक करके फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी कर लेंगे एक और, तो देखो एक और कॉपी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसकी फोटो भी गई थोड़ी सी एक्स्ट्रा जा रही है तो उसको छोटा कर लूँगा और ऐसे करके मैं यहाँ पर फिक्स कर लूँगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये कितना है, तो यहाँ पर इतना ही थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इसको भी क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके फिर से इसको भी मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अब आपको पता है कि फिर से आपको फ़ोटो को टैप करना है, छोटा कर लेना है और नीचे ऐसे करके फिक्स कर लेना है। इसको क्लिक करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर कर लेंगे, फिर से इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको फिर से कॉपी करके एंड में भी लगा लेना है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो चुका है हमारी ये ब्रश वाली जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, ऐड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखते रहो। अब आपको अपनी लिरिक्स वगैरह को क्रिएट करना होगा तो पहले यहाँ पर टेक्स्ट की ऑप्शन में आइए और ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब आप लिरिक्स याद है तो लिख सकते हो, नहीं तो क्लिक करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो पहली जो वर्ड था लाल जोड़ा तो कुछ ऐसे ही था, लाल जोड़ा पहने आना। ठीक है, तो इतना मैं लिख लेता हूँ यानी पेस्ट करके, बाकी की वर्ड्स को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे फॉन्ट वाले में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर गाइज फॉन्ट में जाने के बाद में यहाँ पर एक फॉन्ट को पहले आपको ऐड करना होगा। गाइज थोड़ी सी मेरी नेट ने बहुत स्लो चल रहा है तो लाइट चला गया और वाईफाई भी गाइज बंद है तो यहाँ पर जो नेट है ना काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम देख सकते हो ले रहा है। ठीक है, तो जस्ट वेट करते हैं गाइज और पहले इसके फ़िलहाल के लिए चलो छोटा ही कर लेते हैं, तब तक यहाँ पर इफ़ेक्ट शो होने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर पहले छोटा करके थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ और थोड़ा आगे चले जाते हैं और इसको यहाँ पर देख सकते हो भाई नेट ही स्लो चल रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा गाइज नेट स्लो हो गया। तो जस्ट वेट करते हैं गाइज, पहले तो यहाँ पर नेट चलने दो भाई। तो फाइनली गाइज यहाँ पर नेट भाई चलने लग गया। अभी ऐड फॉन्ट पे टैप करना है आपको और पहले एक फॉन्ट को ऐड कर लीजिए, इस फॉन्ट की नाम है न्यू वॉल्ट डिज्नी। तो यहाँ पर आपको इस प्लस के ऑप्शन पे टैप करना है और अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है और जहाँ भी आपने फॉन्ट को डाउनलोड करके रखा होगा सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है तो फॉन्ट आपकी ऐड होकर यहीं पे आ जाएगी। मेरा गाइज पहले से ऐड है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो न्यू वॉल्ट डिज्नी को हम सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले तो यहाँ पर आएंगे स्टाइल में, फिर स्पेसिंग में जाएंगे और कैरेक्टर को थोड़ा सा हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, कितना 4 करेंगे। ठीक है, तो 4 करके डन करेंगे और पहले तो साइज को छोटा कर लेते हैं, उसके बाद में हम इस पर और इफेक्ट वगैरह गाइज ऐड कर लेंगे। तो जस्ट पहले यहाँ पर दोनों फिंगर की हेल्प से आपको साइज को छोटा करके यहाँ पर ऐसे करके फिक्स कर लेना होगा। ओके, तो देखो कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका है। स्टाइल में आएंगे और एनिमेशन में रहेंगे, उसके बाद में इन में आने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरफ आओगे तो देखो फ्लिप ये वाला इफेक्ट मिलेगा, फ्लिक देख सकते हो
वेरबी टीम कुछ ऐसे नाम का गाइज यहाँ पर इफेक्ट है, इसको सेलेक्ट कर लेना और इसको ने 7 रखना है। फिर ऑट में जाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल सेम यही वाला इफेक्ट को हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम यहाँ पर 7 रख लेंगे, ठीक है। और दोनों को आपको 7 रखना है और डन पे क्लिक कर लेना है। तो देखो ये हमारी कुछ इस तरीके से इफ़ेक्ट आ चुकी है। अब इसी इमेज पे यानी कि इसी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक और कॉपी कर लेंगे इसी के लेयर को और नीचे की तरफ हम ले जाएंगे, ठीक है। नहीं तो गाइस आप सिंपली इसको डिलीट भी कर सकते हो। अब इसी को कॉपी करने के बाद में हम क्या करेंगे, इधर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एक रिप्लेस का ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है। तो जस्ट वेट, तो नहीं दिख रहा तो यार इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इमोजी हम ऐड कर लेंगे, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ओवरले पे टैप करके ऐड ओवरले पे आना है और यहाँ पर गैलरी में आता हूँ। गैलरी से गाइज यहाँ पर आपको इमोजीज कुछ मिल जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ऐड कर लीजिएगा और इसको साइज को छोटा कर लेना और ऐसे करके यहाँ पर लगा लेना, ठीक है, जहां भी आप लगाना चाहते हो। और इसकी ड्यूरेशन को इतना तक आपको रख लेना है, ठीक है, जितना इमेज आ रही है। अब आपको फिर से इसी पर टैप करना है, एनिमेशन में जाना है और यहां पे इन वाले में रहना है, सबसे यहां पे एंड में जाना है, स्पिन लेफ्ट को टैप कर लेना है, ठीक है। फिर आउट में जाना है और फिर से गाइस इधर ही रहोगे तो यहां पर देख सकते हो ये वाला मिलेगा, तो इसको भी आपको ऐड कर लेना है स्लाइड लेफ्ट। तो यहाँ पर अब देखो वीडियो प्ले होगा तो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, ठीक है, तो देख सकते हो। अब यहाँ पर इसको इंक्रीज कर लेंगे, 6 कर लेता हूँ, इसको भी मैं 6 कर लेता हूँ और देखते हैं लिरिक्स के साथ जाना चाहिए ये इमोजी भी। तो अभी गाइज थोड़ा सा और मुझे लग रहा कि थोड़ा लेट से जा रहा है, तो पहले अभी यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, तो देख सकते हो थोड़ा लेट से जा रहा है गाइस। तो यहाँ पर हम इसको और कम करते हैं, 5 कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पे 5 कर लेंगे। तो अभी देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ से ये पूरी हट जाएगी। अब डन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डन करने के बाद में आपको क्या करना है, जो हमारी जो इमेज है इसको टैप करना है और एनिमेशन में आके यहाँ पर आउट में जाना है और फेड को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फेड को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको 6 करके डन कर लेना है, क्योंकि गाइज यहाँ पर जितने भी इमेज है ना सब पर आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है ताकि एंड में गाइज अच्छे से शो हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाले पर भी टैप करना है और यहाँ पर एनिमेशन में जाके फेड में जाके फिर से यहाँ पर आउट को सिलेक्ट करना है, से इसको टैप करके एनिमेशन में जाके फिर से ऑटो में जाके फेड आउट को सिलेक्ट कर लेना है। जितने भी क्लिक कीजिए एनिमेशन में जाके यहाँ पे ऑट पे जाके फेड आउट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको फिर से क्या करना है, टेक्स्ट पे आना है। अब इसी टेक्स्ट को क्लिक करके यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है और इसको क्लिक करके आगे इस तरफ यहाँ पर ले जाइए, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर इसको तो पहले इसको क्लिक करके भाई इसकी ड्यूरेशन को यहाँ तक कर लो। अब यहाँ पाने के बाद में गाइस इसको टैप कीजिए और पेंसिल के ऑप्शन पे टैप करके इसको डिलीट कर लीजिए, जो आप नेक्स्ट लिरिक लिखना चाहते हो उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट लिरिक था, अब यहाँ पर इसको पेस्ट करके यहाँ पर डन करेंगे। साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जितना करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ओवरले पे टैप करोगे तो फिर इमोजी दिखेगा, इसको टैप करके फिर से आपको यहाँ पर डुप्लीकेट यानी कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद में अब यहाँ पे आगे आ जाएगा, इसी को टैप करना। अब यहाँ पर आपको रिप्लेस की एक ऑप्शन मिलेगा, इसको टैप कर लीजिए और यहाँ से गाइस आपने जो इमोजी दूसरी ऐड करना है उसको फिर से ऐड कर लो। तो देखो यहाँ पर ये आ चुका है, इसको इधर नीचे रख लो और साइज को छोटा करके यहाँ पर ऐसे करके एडजस्ट कर लो। बाकी ड्यूरेशन को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर से मिनिमाइज कर लेना। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वाली लिरिक्स कुछ इस तरीके से आएगी, सेकेंड वाली फिर से कुछ इस तरीके से आएगी गाइज, ओके। और फाइनली यहाँ पर आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, एंड में भी आपको पूरी ऐसे करके गाइज एडजस्ट कर लेना होगा। और फाइनली वीडियो बन के रेडी हो चुकी है गाइज। अब यहाँ पर शेयर पर टैप कर लीजिए, देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर